ये बिहार का ट्रेंड है। और ये जो अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण को यहाँ नगर निकाय में ख़त्म करने का जो षड्यंत्र और साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रचा है वो उसी का हिस्सा है। इसलिए कि अति पिछड़े वर्ग के लोग, सब लोग, पूरी पार्टी अति पिछड़े वर्ग के की तरफ देखती है चुनाव में, और अति पिछड़े वर्ग के लोग किसी की तरफ नहीं देखते हैं, नीतीश कुमार जी के आंख का इशारा। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरनेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे पोल खोल अभियान किया गया, एक दिवसीय पोल खोल अभियान किया गया। इसी के लेकर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो अति पिछड़े लोग हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं, और नीतीश कुमार जिधर इशारा करते हैं अति पिछड़े उधर जाते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं ललन सिंह, पहले सुनिए उनकी बात। ये ट्रेंड है, ये बिहार का ट्रेंड है। और ये जो अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण को यहाँ नगर निकाय में ख़त्म करने का जो षड्यंत्र और साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रचा है वो उसी का हिस्सा है। इसलिए कि अति पिछड़े वर्ग के लोग, सब लोग, पूरी पार्टी अति पिछड़े वर्ग के की तरफ देखती है चुनाव में, और अति पिछड़े वर्ग के लोग किसी की तरफ नहीं देखते हैं, नीतीश कुमार जी के आँख का इशारा देखते हैं। और जिधर नीतीश कुमार जी आंख का इशारा करते हैं उधर वो 7 बजे लाइन लगा के अपना वोट दे के और काम पर चले जाते हैं। तो इसलिए 2024 का जो चुनाव आने वाला है इनको मालूम है, 2015 का ये देख चुके हैं। तो 2015 में जो इन्होंने देखा है उससे बड़ा ही आगाज़ ना 2024 में होगा। तो इसलिए इनकी साजिश है कि नीतीश कुमार जी के प्रति अति पिछड़े वर्ग में भ्रम फैलाया जाए, जो भ्रम उरम फैलने वाला नहीं। अरे भारतीय जनता पार्टी करता रहे ना, 9 अगस्त को भी हम लोग किए थे ना, अलग हुए थे तो वो भी दिए थे धरना उरना, तो अपना जरा आकलन कर लें धरना में कितना जन समर्थन मिला था। 2024 में नीतीश कुमार चेहरा हो गए हैं अति पिछड़ों के। अरे 2000 हम अभी बिहार की बात हो रही है तो कहाँ देश में चले गए। बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी को जो है पिछड़ा मसीहा मान चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी जिस समाज में पैदा हुए हैं वो समाज कभी पिछड़ा वर्ग में था क्या? गुजरात में नहीं था। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने उस समाज को पिछड़े वर्ग में शामिल किया। तो जो खुद ही पिछड़ा वर्ग में नहीं है, जो खुद अपने आप को पिछड़ा घोषित किया हो, उसको कौन मानेगा? मोदी जी देखिए, आजकल मोदी जी में और संजय जायसवाल जी में भारी कंपटीशन चल रहा है। हम देखते हैं मोदी जी ट्वीट करते हैं, उसके 10 मिनट के बाद संजय जायसवाल जी ट्वीट करते हैं। तो अभी मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार होने वाला हो, इसलिए दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कोई उछल के पा जाए। तो हम शुभकामना है हम लोग की सुशील मोदी जी को पा लें, क्योंकि संजय जायसवाल जी का थोड़ा ग्राफ और जो तराजू है वो थोड़ा हल्का है, क्योंकि बीच में वो आरजेडी में भी चले गए थे, आरजेडी से चुनाव भी लड़े थे, तो उनका कोई लॉयल्टी किसी पार्टी के प्रति नहीं रही है। सुशील जी तो बेचारे सब दिन बीजेपी में रहे, तो उनका पलड़ा थोड़ा भारी हो सकता है। सर, भाजपा ने ये भी कहा है कि आप लोग धरना करते रह जाएंगे लेकिन कोई कोई बात नहीं मानेंगे। हाँ, ये 2015 में भी बोल रहे थे, आप भी उनकी बात सुन रहे थे, तो आप भी सुन लीजिए आगे भी। तो आपने साफ तौर पर सुना कि ललन सिंह ने साफ तौर पर बीजेपी पर हमला हुए, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अति पिछड़े हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं, और जिधर इशारा करते हैं वो उधर वोट करते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फोरनेशन के साथ। नमस्कार।